आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज बाय फंक्शन, या फिर इसको हम इस नाम से भी जानते हैं रिटर्न बाय रेफरेंस, रिटर्न पॉइंटर या रिटर्न एरे। इसको काफ़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। हमारा जो फंक्शन होता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन का एक मेथड होता है कि फंक्शन में हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए बी सी डी चार वैल्यूज पास की, तो ए बी सी डी के बदले मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी में हमारे पास वैल्यू है 2, 4, 1 और 5। तो ये जो फंक्शन है इसमें चार वैल्यूज आर्गुमेंट के रूप में जाएगी। तो फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है कि मल्टीपल वैल्यूज 0 to n, आप 0 वैल्यू भी पास कर सकते हैं और n वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। तो 0 to n वैल्यूज आप इसमें पास कर सकते हैं और इन पे कुछ प्रोसेसिंग होती है। फॉर एग्जांपल, इनका जो प्रोसेसिंग है 2 + 4 + 1 + 5, तो ये जो है आपका 5 5 10 12, टोटल होगा इसका 12। तो फंक्शन हमेशा या तो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा या तो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 और 1। क्लियर है? तो ये फंक्शन का मेथड होता है, यस सर, मेकैनिज्म क्लियर है। होती है फंक्शन में। उसका रूल बना हुआ है कि ये मल्टीपल वैल्यूज हम आर्गुमेंट में दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न केवल सिंगल वैल्यू होती है। तो क्या हो अगर मुझे फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करानी हो? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न कर दिया। मैं यहाँ पर जैसे इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा ये फंक्शन है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट एक्स, और यहाँ पर कोड रहेगा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और हम रिटर्न करेंगे एक्स को। तो फंक्शन केवल एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है, फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता। यानी फंक्शन को एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे 3 वैल्यूज हम रिटर्न नहीं करा सकते। ये अलाउड नहीं है, नॉर्मली ये अलाउड नहीं है, बट हमारे पास एक मेथड है जिसके द्वारा हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं। वो मेथड बिल्कुल ही सिंपल सा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरे बना देंगे। जैसे मैंने इंट वाई बनाया और वाई में मल्टीपल वैल्यूज रख दी मैंने, और 6 4 5 3 जितना चाहे उतना वैल्यू आप रखिए और एरे को रिटर्न कर दीजिए। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, एक एरे रिटर्न कर रहा है। रिटर्न को लग रहा है कि मैं एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा बंच उठा करके रिटर्न हो रहा है। तो जहां पर भी ये रिटर्न हो रही होगी वहां पर 6 वैल्यू एरे, एक प्रकार का एक बॉक्स है, एरे एक बॉक्स की तरह रिटर्न होगा और उस बॉक्स में 6 7 वैल्यूज 8 10 वैल्यूज होंगी। क्लियर है? तो ये जो मेथड है इसके द्वारा हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं, और इस मेथड को ही हम 3 नाम से जानते हैं, एरे को रिटर्न करना या मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना या फिर रेफरेंस रिटर्न करना। आपको पता है कि एरे एक पॉइंटर होता है, कांस्टेंट पॉइंटर। एरे जो है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है जो सबसे पहले वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखता है, जिसको बेस एड्रेस बोलते हैं। और ये पॉइंटर है, एक्चुअली हम यहाँ पर एक पॉइंटर रिटर्न कर रहे होते हैं, तो इसी को हम रिटर्निंग पॉइंटर भी बोलते हैं या रिटर्निंग बाय रेफरेंस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो रिटर्न स्टेटमेंट में अगर मैं कोई पॉइंटर रिटर्न कर रहा हूं तो ये मेथड जो है क्या कहलाएगा, रिटर्निंग एरे, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, रिटर्निंग बाय रेफरेंस या रिटर्निंग पॉइंटर, कई नाम है इसके। और जो मेथड काफी यूज होता है मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक सी में कोड भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न भी करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स दिए और यहाँ पर मैंने इंट एक्स और इंट वाई ले लिया और मैंने इनका सम निकाला। मैं दोनों चीज को रिटर्न करना चाहता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस भी रिटर्न करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एरे बना दूंगा इंट एन,
और n में जो वैल्यू रहेगी, n की साइज मैंने दे दिया 2, और ये दोनों वैल्यूज को मैं क्या करूंगा यहां पर दे दूंगा, n 0 इक्वल टू एक्स और n 1 इक्वल टू वाई, दोनों वैल्यू को मैंने एरे में रख दिया। आप देख रहे हैं कि एक्स में सम निकल रहा है और इसमें डिफरेंस निकल रहा है, और एक एरे बना दिया मैंने, और पहले सम निकाला फिर डिफरेंस निकाला और दोनों को एरे में लोड कर दिया, यानी बॉक्स में बंद कर दिया, और यहाँ पर मैं एरे को रिटर्न कर दूंगा। तो एन यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, एन एक्चुअली एक पॉइंटर है या रेफरेंस है, इसके द्वारा मैं मल्टीपल वैल्यूज वहां पर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो जहां पर ये रिटर्न होगा एरे, यहाँ पर जहां पर एरे एक्सेप्ट होगा वहां पर दो वैल्यूज मिलेंगी, एक्स और वाई। तो यहाँ पर रिटर्न करने के लिए मुझे इंट स्टार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंटर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये फंक्शन का तरीका है कि ये इंट पॉइंटर रिटर्न करेगा, और यहाँ पर जो इंट पॉइंटर एक प्रकार का एरे है। तो इस तरीके से मैं रिटर्निंग एरे, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, रिटर्निंग बाय रेफरेंस, रिटर्निंग पॉइंटर, ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुल मिला के पॉइंटर को रिटर्न करना ही मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने के बराबर है। इसको एरे के द्वारा ही नहीं, हम स्ट्रक्चर के द्वारा भी कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को रखना चाहता हूँ, तो मैं एक स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट बनाया, स्ट्रक्ट ए, और इसके अंदर मैंने बनाया इंट, मैंने बनाया ए ए कॉमा, या यहाँ पर मैंने बनाया पी कॉमा क्यू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यूज निकाली हैं, ये दोनों वैल्यू को मैं क्या कहाँ पे लिखूंगा, ए के अंदर लिखूंगा। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है A1, तो मैं यहाँ लिखूंगा A1.P=X और A1.Q=Y। ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसमें P और Q रखा, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बनाया A1। अब A1 में मैंने X लोड कर दिया, A1 में मैंने Y लोड कर दिया, और A1 को रिटर्न कर दिया है, मैंने स्ट्रक्चर को रिटर्न कर दिया है। किसको रिटर्न किया है? स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा A, क्योंकि मैंने ये A को रिटर्न किया है, और ऊपर में स्ट्रक्चर को हमको डिफाइन करना होगा। ठीक है, यूजर डिफाइन डेटा टाइप हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हम स्ट्रक्चर को यहाँ से रिटर्न कर पा रहे हैं। इसका ऐसा करने से हमको क्या हो रहा है, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में भी जा रहे हैं। अभी तक हमने सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी थी, अब हम सब चीजें के कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हैं, और ऐसा करने से हमको क्या हो रहा है कि हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा पा रहे हैं। इसी को मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराना बोलते हैं, स्ट्रक्चर से, या फिर हमने अभी रेफरेंस से मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कराना देखा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं। जो आपका ये आज का टॉपिक था, रिटर्निंग बाय रेफरेंस, रेफरेंस को रिटर्न करना, या फिर रिटर्निंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल को रिटर्न करना, यानी रिटर्न स्टेटमेंट में स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखना। और आपने देखा रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन का सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है, और ये इसका काम होता है एक सिंगल वैल्यू को कॉल करने वाले फंक्शन पर रिटर्न करता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट में हम कोई भी सिंगल वैल्यू लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, यूनियन लिख सकते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, पॉइंटर लिख सकते हैं, एरे लिख सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, कुछ भी लिख सकते हैं। केवल वो एक सिंगल वेरिएबल के रूप में होना चाहिए, सिंगल बॉक्स के रूप में होना चाहिए। फिर जब रिसीव होगा तो वहां पर उसको तोड़ करके अपना डेटा अलग अलग कर लिया जाएगा। इसके कई सारे मैकेनिज्म है, रिटर्निंग स्ट्रक्चर, रिटर्निंग वेरिएबल, सॉरी स्ट्रक्चर वेरिएबल, यूनियन वेरिएबल, इनम वेरिएबल, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, रिटर्निंग क्लास, इस तरीके का कुछ भी नाम लिखें बट मेथड यही रहेगा। और रिटर्निंग रेफरेंस जो है, जिसमें हम पॉइंटर, एरे या फिर उसका रेफरेंस रिटर्न करते हैं। तो देखा जाए तो ये रिटर्निंग स्टेटमेंट जो था फंक्शन में, ये हम पहले भी पढ़ते आए थे कि C++ में या किसी भी फंक्शन में रिटर्न किया जाता है, और फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब इस रिटर्न स्टेटमेंट की खासियत ये है कि ये हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होगा फंक्शन का,
और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। इससे अगर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करानी है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, यूनियन वेरिएबल, पॉइंटर, किसी भी प्रकार का अलग अलग वेरिएबल रिटर्न कराना है, तो यहाँ पर ये चेंज होगा और यहाँ पर ये चेंज होगा। दो चीजें चेंज होती हैं केवल, और उसी को अलग अलग नाम दे दिया गया है यहाँ पर, जो आप अभी देख रहे हैं अपने सिलेबस में आपने देखा, जो ये वाला आपका हिस्सा है। क्लियर? तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज थी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।